एक सरपंच और उसके बेटों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। इन गुंडों ने एक युवक को सड़क पर मार मारकर अधमरा कर दिया। इन लोगों की गुंडागर्दी से इलाके में डर का माहौल है। ऐसे में भी पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सिंगरौली के चतरंगी में खैटार सरपंच राम नारायण चतुर्वेदी और उनके बेटों ने सरेआम 20 सड़क पर एक युवक को बेरहमी से मारपीट कर अधमरा कर दिया। इस मामले में सरपंच व रसूख और गुंडों के आगे नौडी हवा पुलिस भी कार्रवाई करने से बेबस नजर आ रही है। सरपंच राम नारायण उर्फ मुन्नी राम चतुर्वेदी, उनके बेटों और भतीजे ने अपने ही परिवार के खेडार गांव के मातेश्वरी प्रसाद चतुर्वेदी को आपसी रंजिश में लाठी डंडे लात घूसों से पीटा और अधमरा छोड़कर चल दिए। सरपंच द्वारा लाठी से प्रहार करते हुए ऐसा ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक चीखता चिल्लाता नजर आ रहा है, लेकिन उसे बचाने गांव वाले भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सरपंच और उसके बेटों भतीजे की दबंगई से गांव के लोगों में भय का माहौल है। पीड़ित मातेश्वरी के परिजनों ने उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरपंच द्वारा मारपीट करने का वीडियो आया है, मामले की जांच कराई जा रही है। यदि मामला दर्ज नहीं हुआ होगा तो जल्द ही मामला दर्ज किया जाएगा। जो भी व्यक्ति दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से ये घटना मेरे संज्ञान में आई है और मैंने भी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि इसकी मामले की जांच करें और यदि कोई कंप्लेंट थाने में या चौकी में आई है तत्काल उस पर कार्रवाई करें, और यदि कंप्लेंट आने के उपरांत भी कार्रवाई नहीं हुई है वहाँ पर, तो संबंधित जो भी व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है उसकी जांच करके रिपोर्ट देंगे उसको हम कार्रवाई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।